तपते राज राजते नरक। क्या तपस्या करके क्या प्राप्त करते हैं? राजा ही प्राप्त करते हैं। और राजा ही पाने के बाद अहंकार चढ़ता है, जब अहंकार चढ़ता है तो नरक में गिरते हैं। संगम युग में बाप हमको सिखाते हैं, बच्चे तुम यहाँ सेवाधारी बनकर के रहो, तुम्हारा बाप यहाँ ओबीडेंट सर्वेंट बनकर के आया हुआ हूँ, तो तुमको क्या बनना है? सेवाधारी बनकर के रहना है। अगर ये भाव आया कि हमको तो यही राजाई मिल गई, यही दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाना शुरू कर दिया, तो जो यहाँ कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे उनका कंट्रोल वहाँ हाथ से निकल जाएगा। यहाँ दास दासी बना करके बैठ जावेंगे तो वहाँ दास दासी बन करके रहना पड़ेगा। अब कोई बच्चे हो, चाहे माया बेटी ही क्यों न हो, क्या माया बेटी क्या बन करके बैठती है? मालिक, मालिक बन करके बैठती है, हुकुम चलाती है। तो सतयुग जब शुरू होगा तो सतयुग में माया बेटी क्या बन जाएगी? दास ही बन जाएगी माया। सबसे पहले माया सरेंडर होगी और सरेंडर होकर के तुम्हारी दास ही बनेगी, बाद में प्रकृति सरेंडर होगी, वो भी तुम्हारी दास ही बन जाएगी। इसका मतलब माया भी इस समय कंट्रोल चाहती है और प्रकृति भी इस समय फुल कंट्रोल चाहती है। बाप दोनों की आशाएं पूरी करते हैं, माया के हाथ में भी फुल अथॉरिटी दे दी, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और माया बेटी के हाथ में सारी सत्ता आ गई। अभी एडवांस में प्रकृति माता के हाथ में सारी सत्ता आने वाली है। प्रकृति माता कहो, दुर्गा कहो, जगदम्बा कहो, गीता माता कहो, गीता ज्ञान से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, लेकिन बाप द्वारा मिलता है। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं, द्वारा मीडिया तो ब्रह्मा बनता है लेकिन खुलवाने वाला कौन है? बाप है। जैसे पिछली एक अव्यक्तवाणी में बोला, ब्रह्मा बाबा तेजी से माला बनाने लगे और बाप मुस्कराने लगे। क्यों मुस्कराने लगे? इतना जल्दी राजा कैसे बन सकते हैं? कि ब्रह्मा बाबा ये समझते हैं माला तो हम ही बनावेंगे, स्वर्ग के गेट तो हम ही खोलेंगे, लेकिन बाप के सहयोग के बगैर कुछ भी नहीं होगा, राजधानी स्थापन हो नहीं सकती। ये राजधानी स्थापन करने का काम सिवाय एक बाप के और किसी का बस का नहीं है।